हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? तो टॉप 10 मैकेनिज्म फॉर बोर्ड सीरीज हमारी चली हुई है और आज हम करने वाले हैं मैकेनिज्म नंबर 2 जो कि है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हैलोजन हैलोरिन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस वीडियो में 30 से 40 मिनट की वीडियो हो सकती है, थोड़ी लेंथी वीडियो है क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक बड़ा टॉपिक है एंड सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं और श्योरली क्वेश्चन बनते हैं। हैलोजन हैलोरिन में श्योरली से क्वेश्चन बनेगा। इस वीडियो की एक एक लाइन ना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगी। सब कुछ मैंने बताया जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पॉसिबल आपको एक दो जगह मिसअंडरस्टैंडिंग हो, थोड़ी बहुत डाउट हो, तो वीडियो आपने पूरी देखनी है और पॉसिबल हो दोबारा देख लेना तो कि ताकि जो तुम्हारे 3 नंबर है ना, आप किसी भी बोर्ड के हो, वो 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है शेयर जरूर करना। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं अच्छे मार्क्स स्कोर करने में, आपको मेरी हेल्प करनी है इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स दिलवाने में। देखने से पहले ही शेयर कर दो सभी फ्रेंड्स के साथ और फिर देखो, मजा आएगा। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं इसको। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिंपली अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, दोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स आर सब्स्टिट्यूटेड बाय न्यूक्लियोफाइल, जिसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कौन पॉसिबल करवाता है? न्यूक्लियोफाइल पॉसिबल करवाता है। न्यूक्लियोफाइल को अगर मैं बोलू, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल मीन्स लविंग, तो ये क्या होते हैं भाई? न्यूक्लियस लविंग होते हैं, न्यूक्लियस लवर होते हैं, पॉजिटिव से लव करते हैं। तो जनरली हम लोग न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे, NU नेगेटिव, क्योंकि ये लव तो पॉजिटिव से करता है। अगर मैं सिंपली एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दिखाना चाहूं तो मैं कुछ ऐसे दिखा सकता हूं, RX की रिएक्शन NU से करवाई तो क्या होगा, ये एक दूसरे की जगह जाएंगे, ये क्या बन जाएगा RNU और ये प्लस में क्या बनेगा X नेगेटिव। ये एक न्यूक्लियोफाइल है, इसने हैलोजन को एक्सचेंज कर दिया। कैसे एक्सचेंज हुआ? क्योंकि जो हैलोजन होते हैं ना वो पोलर नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? पोलर नेचर के। इस पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव नेगेटिव को डिस्प्लेस कर सकता है, या फिर ऐसे समझो कि नेगेटिव किससे लव करता है? पॉजिटिव से लव करता है, इसी वजह से ये इधर चला गया। इसे बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है SN1 एक होती है SN2। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं कि आपसे पूछ लिया जाता है SN1 का ऑर्डर बताओ, SN2 का ऑर्डर बताओ, क्या फंडा है। पहली बात मैं बताऊं, SN1 का मतलब क्या होता है? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 का मतलब क्या होता है? बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है जी? इन दो को हमने एक्सप्लेन करना है, इन दो टॉपिक को हमने एक्सप्लेन करना है। बट इनकी तरफ बढ़े उससे पहले ना हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला कंसेप्ट थोड़ा सा पढ़ना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला। अच्छे से देखते हैं इसको भी। तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला फंडा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां पे सबसे पहली जो टर्म्स आती है, पहली जो टर्म आएगी वो आएगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। नाउ व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट? एक नॉर्मल लाइट है जो कि एक सोर्स से आ रही है, वो क्या करेगी? हर एक डायरेक्शन में ऑस्किलेट करेगी। इसे बोलते हैं डिफ्यूज्ड लाइट। क्या बोलते हैं? डिफ्यूज्ड। ये एक सोर्स से आ रही है, कुछ भी मान सकते हो सोर्स, ठीक है, जो आपका दिल करे। ये सोर्स ऑफ लाइट, ये है एक नॉर्मल लाइट जिसे हम लोग बोल रहे हैं डिफ्यूज लाइट। जब इस डिफ्यूज लाइट को आप लोग पास करवा देते हो किस में से, जब आप इस नॉर्मल लाइट को पास करवा देते हो निकोल प्रिज्म में से, किस में से भाई? निकोल प्रिज्म।
इस निकोल प्रिज्म को हम लोग बोल सकते हैं पोलराइजर। तो ये सिर्फ एक प्लेन में बाहर निकलती है, एक प्लेन में ट्रेवल करती है। अभी तो ये हर एक प्लेन में ट्रेवल कर रही है। लाइक अगर ना आप किसी लाइट को देखो, किसी भी सोर्स ऑफ लाइट को, तो आंखें बंद करके देखना, आपको दिखेगा वो हर डायरेक्शन में ऑसिलेट करती है। जब इसको हम निकोल प्रिज्म में से पास करवा देते हैं तो वो सिर्फ एक डायरेक्शन में ऑसिलेट करती है। इस लाइट को, ये जो सिर्फ एक प्लेन में ऑसिलेट कर रही है, एक प्लेन में चल रही है, इसे हम लोग बोलते हैं PPL या फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलेंगे इसे? PPL या फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आपको बहुत बार ये वर्ड सुनने को मिलेगा, PPL प्लेन पोलराइज्ड, समझ जाना, जो सिर्फ एक प्लेन में ऑस्किलेट कर रही हो, सिर्फ एक प्लेन में ट्रेवल कर रही हो। ठीक है, ये निकोल प्रिज्म क्या करता है? बाकी सभी प्लेन की लाइट को दबा देता है। ठीक है, आप एक बात समझो, लाइक एक दीवार है, ठीक है, अंधेरा कमरा है, और दीवार में ना कुछ ऐसे चीरा लगा हुआ है, कुछ ऐसे चीरा लगा हुआ, समझ लो ऐसे कट लगा हुआ है। लाइट आई है तो सिर्फ ऐसी लाइट आएगी, और अगर पूरा कमरा खुला हुआ है तो बिल्कुल पूरी लाइट आ जाएगी। तो ये कुछ ऐसे होता है निकोल प्रिज्म, जो सिर्फ एक प्लेन में से ही ट्रेवल करने देता है, इस तरह से होता है। इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो अभी क्या होता है, अभी नेक्स्ट हम आपको देखने को मिलेगी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, दूसरे टर्म आपको देखने को मिलेगी ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। नाउ ऑप्टिकली एक्टिव किसे कहते हैं? विच रोटेट पीपीएल, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन के अंदर, उसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। एंड अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है विच कांट रोटेट पीपीएल, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर सकता, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस बोलेंगे। क्लियर है? समझ के चलो, ये है एक नॉर्मल लाइट। ठीक है, आपने दो सब्सटेंस लिए, दो सब्सटेंस में से इसको पास कराया, ये एक डिवाइस है, इसे बोलते हैं पोलैरिमीटर। पोलैरिमीटर आपने इसमें को रख दिया, इस सब्सटेंस को जिसको आप चेक कर रहे हो, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकता है, कुछ इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में विद्युतीय फंड आता है, और ये लाइट ना बिल्कुल ऐसे की ऐसे निकल गई, कोई ऑस्किलेशन नहीं हुआ, मतलब सॉरी कोई भी रोटेशन नहीं हुआ। तो इस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस बोलेंगे बेटा जी। क्या बोलने वाले हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। एंड अगर कुछ ऐसा हो जाए कि ये लाइट है, आपने ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, आपने पोलैरिमीटर में वो सब्सटेंस रखा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, एंड ये रोटेट कर जाए, मान लो ये तो नॉर्मल लाइट थी, ठीक है, वो इसको रोटेट करवा दे, रोटेट किसी भी डायरेक्शन में करवा सकता है, मान के चलो कि ये सीधी लाइट है, ये इसको ऐसे रोटेट करवा रहा है, या फिर पॉसिबल है कि ये इसको ऐसे रोटेट करवा दे, रोटेशन होगी, सीधी नहीं रही है, या तो राइट की साइड रोटेशन होगी या लेफ्ट की साइड रोटेशन होगी। इस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस बोलेंगे। अब फोकस कीजिए मेरी बात पे, कि ना इसके भी टाइप होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव में भी आपको टर्म सुनने को मिलेगी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी, इसका क्या फंडा है? अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है और वो सब्सटेंस इस लाइट को रोटेट कर देता है टुवार्ड्स राइट की तरफ रोटेट कर दे उस लाइट को, वो सब्सटेंस, यहां पे एक सब्सटेंस रखा, इसमें से आपने इस लाइट को पास लाया, और उसको राइट की साइड में रोटेट कर देता है, क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है, क्लॉकवाइज ऐसे होता है ना, तो इस सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलेंगे बेटा जी? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या फिर सिंपली डी बोल देते हैं, या फिर सिंपली पॉजिटिव से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर कुछ ऐसा हो कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, आपने उसको पास कराया उस सब्सटेंस में से, कोई दूसरा सब्सटेंस लिया, एंड वो उसको रोटेट करवा देता है लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा दिया, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? लेवो रोटेटरी एल, या फिर इसको सिंपली नेगेटिव भी लिख दिया जाता है।
तो यह है सिंपल सी टर्म जो आपको देखने को मिल सकती है। ओके, अभी इन टर्म्स को डिफाइन करते हैं। स्टीरियो सेंटर क्या होता है, कायरलिटी क्या होती है, इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, रेजोल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टीरियो सेंटर की। देखिए, अगर आपके पास एक कार्बन है, कायरलिटी भी कुछ इसी जैसा टॉपिक है, जैसे आपके पास एक कार्बन है और इस कार्बन के सारे जो बॉन्ड है वो डिफरेंट एटम से पूरे हों या डिफरेंट ग्रुप से पूरे हों, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन। अगर यहां पे मान लो ए लगा हुआ है, यहां पे मान लो बी लगा हुआ है, यहां पे मान लो सी लगा हुआ है, यहां पे मान लो डी लगा हुआ है, तो इसे हम लोग, इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे। अच्छा, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। नाउ व्हाट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होने चाहिए उसके, और कैसा बॉन्ड नहीं होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। एंड सारे जो बॉन्ड है वो डिफरेंट ग्रुप से पूरे हो रहे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन, स्टीरियो सेंटर। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सिमेट्रिकल नहीं बनेगा, असिमेट्रिकल बनेगा, इसी को बोलते हैं डाइसिमेट्री। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आपको दूसरे प्रॉपर एग्जांपल देता हूं, जैसे आपके पास है क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो फ्लोरो क्लोरो मिथेन, ब्रोमो फ्लोरो क्लोरो मिथेन। अगर आप इसको लिखो, मिथ का मतलब कितने कार्बन होते हैं, एक कितने बॉन्ड बनाता है वो, चार। अभी देखो, इसने बोल दिया ब्रोमो यानी Br लगा होगा, फ्लोरो यानी Fb लगा होगा, क्लोरो यानी Cl भी लगा होगा, और यहां पे Hb लगा ही होगा। ठीक है, तो अगर आप इस कार्बन को चेक करो तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है एंड इसके सारे बॉन्ड डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से पूरे हो रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोगों ने क्या बोलना है भाई, कायरल कार्बन। एंड इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, कायरलिटी। क्या बोलते हैं, कायरलिटी। तो हमारे पास, और अकायरल कब होता, मान के चलो मैं बोल दे ये क्या है, कैसा है, ये है कायरल, और अगर मैं कुछ ऐसे बोल दूं फ्लोरो क्लोरो, गलत लिख रहा हूं मैं, ऐसे नाम ऐसे बनना चाहिए इसका, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो, और मैं अभी ले लेता हूं क्लोरो फ्लोरो मिथेन मिथेन। अब समझो, मिथ मतलब कितने कार्बन, एक कार्बन, चार बॉन्ड होते हैं, फ्लोरो यानी एफ लगा होगा, क्लोरो यानी सीएल लगा होगा, और बाकी बॉन्ड तो हाइड्रोजन पूरे करेंगे। अब ये sp3 हाइब्रिडाइज तो है, बट इसके सारे बॉन्ड ना एक जैसे से नहीं पूरे हो रहे। ठीक है, सारे बॉन्ड जो है मतलब अलग अलग एटम से पूरे नहीं हो रहे। देखो, दो बॉन्ड इसके एक जैसे एटम से पूरे हो रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अकायरल कार्बन। क्या बोलेंगे, अकायरल। और यहां पर क्या है, सिमिट्री है, सिमेट्री है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं कर सकता। ये क्या है, कायरल कार्बन है, यहां पे सारा कुछ क्या है, असिमेट्रिकल है, कुछ भी एक जैसा नहीं है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, डाइसिमेट्री भी बोल देते हैं। बेटा जी, याद रखनी है ये बात, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि कार्बन कायरल होना चाहिए, या फिर कह लो असिमेट्रिकल होना चाहिए, या फिर कह लो डाइसिमेट्री, इन सभी वर्ड्स का मीनिंग जो है वो सेम है। ठीक है, अगर आप इसके लिए बनाना चाहो, मान लो ये है आपके पास, इसको आप बनाना चाह रहे हो, आपके पास है H F Br Cl, मान लो ये, इसको मैं मिरर के सामने रख देता हूं, किसके सामने रख दूंगा, मिरर के सामने रख दूंगा, तो मिरर के सामने क्या, तो जो लेफ्ट है वो राइट हो जाता है, जो राइट है वो लेफ्ट हो जाता है, तो कुछ ऐसे हो जाएगा C H, यहां पे क्या आएगा F, ऊपर Br और नीचे क्या है, सीएल है। अब समझिए आप इस बात को, ये क्या फंडा है, क्लियर हो रहा है कुछ, कि रोटेशन होगी मिरर के सामने रखते ही, ये दोनों मिरर इमेजेस हैं, एंड ये दोनों इमेजेस कैसी हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं। कैसी हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल। इमेजेस कैसी बननी चाहिए, देखो ये मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजिबल है, इस तरह से अगर मैं इसको डी बोल दूंगा तो इसकी मिरर इमेज क्या कहलाएगी, एल कहलाएगी, अगर मैं इसको एल बोल दूंगा इसको डी बोलेंगे, इसको ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है किसको डी बोलना है किसको एल बोलना है, जिसको मर्जी आपका दिल करे डी बोल दो, जिसको मर्जी आपका दिल करे एल बोल दो। तो इनको इनको क्या कहा जाता है, इनेंशियोमर्स। क्या कहा जाता है, इनेंशियोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर को हम लोग क्या बोल देते हैं, इनेंशियोमर्स बोल देते हैं। एक डी, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होनी चाहिए और दोनों इमेजेस नॉन सुपर
इम्पोजिबल होनी चाहिए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर्स बोलते हैं। क्लियर है? एक दूसरा एग्जाम्पल अगर आप चेक करना चाह रहे हो, मान लो कि हमारे पास है ब्यूटेन टूल, प्लीज कंफ्यूज मत होना, सिंपल रखना बात को, ब्यूटेन टूल है। ब्यूट मतलब कितने कार्बन होते हैं भाई, चार कार्बन होते हैं, टू पे ओल यानी ओएच, अब बॉन्ड पूरे करो H3, H2, H3। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि यहां पे काइरल कार्बन है या नहीं है, आपको सारे कार्बन चेक करने हैं, इसके तो तीन बॉन्ड पूरे हो रहे हैं एक ही जैसे से, इसके दो बॉन्ड हो रहे हैं, इसका एक भी बॉन्ड पूरा नहीं हो रहा है, ये कार्बन यहां पे काइरल है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कुछ ऐसे लिख सकता हूं, सी यहां पे C2H5, यहां पे CH3, यहां पर H और यहां पर OH, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो H OH CH3 और ये है C2H5। काइरल है ही, असिमेट्रिकल है। इसको आपने मिरर के सामने रखा तो क्या होगा, रोटेशन होगी, लेफ्ट वाला राइट में होगा, राइट वाला लेफ्ट में होगा, ये कार्बन ये CH3 इधर आया, ये C2H5 उधर गया, ये H और ये OH, समझ गए ना मेरी बात को। अगर मैं इसको D बोल दूंगा, इसको क्या बोलूंगा, L। तो D एंड L फॉर्म है, मिरर इमेजेस है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनेंशियोमर्स बोलेंगे। नेक्स्ट इज रेसमिक मिक्सचर, नेक्स्ट वर्ड आपको बड़ा सुनने को मिलता है कि भैया रेसमिक मिक्सचर क्या है, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, इक्वीमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म, एक सब्सटेंस की डी फॉर्म का और एल फॉर्म का इक्वीमोलर मिक्सचर लो, ले लिया, तो क्या होगा उस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, एक रेसमिक मिक्सचर बोलेंगे। क्या होता है इसमें, नेट रोटेशन ऑफ पीपीएल इज जीरो, इसमें पीपीएल की प्लेन पोलराइज लाइट की कोई भी रोटेशन नहीं होती, वो जीरो होती है। कैसे कह रहे हो सर ये बात, समझो मेरी बात को, एक है ये लाइट है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पीपीएल बोलते हैं। आपने इसको एक सब्सटेंस में से पास कराया जो कि क्या है, डी है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, जिसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या होते हैं, जो राइट में रोटेट कर देंगे, ये राइट की साइड रोटेट हो गया, फिर ये लाइट जा रही है और यहां पे आपने सब्सटेंस ले रखा है क्या, ये है डी, ये है लैबोरेटरी सब्सटेंस, लैबोरेटरी क्या करेगा, इसको लेफ्ट में रोटेट करेगा, और जब उसको देखो अगर ये लाइट होती, ये लेफ्ट में ऐसे जाती, ये ऑलरेडी ऐसे है, लेफ्ट में जाएगा तो ये सीधी हो जाएगी। तो अगर आप इसकी फर्स्ट पोजीशन को देखो और फाइनल, ये नहीं छोटा नहीं होगा, कहीं आपसे पहले होगी छोटा हो जाएगा, जैसे ऐसे ही रहेगा। अब आप देखो डी एंड एल फॉर्म का अगर आप मिक्सचर लोगे तो देखो डी इसको राइट में रोटेट करेगा, एल उसको लेफ्ट में रोटेट करके दोबारा से उसको सीधा खड़ा कर देगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। अब बात करते हैं कि रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, आपको एक अच्छा रेसमिक मिक्सचर को ना रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, डीएल कहीं पे अगर डीएल लिखा हुआ ना तो इसमें इट मीन्स वो रेसमिक मिक्सचर है, या फिर कहीं पे प्लस माइनस लिखा हुआ है तो वो भी क्या है भैया, एक रेसमिक मिक्सचर ही कहलाएगा, आपने हमेशा समझ जाना है। नेक्स्ट इज रिजोल्यूशन क्या होता है, एक रेसमिक मिक्सचर में से डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लैबोरोटेटरी सब्सटेंस को अलग अलग करना ही क्या कहलाता है, रेजोल्यूशन कहलाता है। रिपीट कर रहा हूं, रेसमिक मिक्सचर में डी एंड एल फॉर्म मिक्स हो चुकी हैं, आपने उनको सेपरेट करना है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो ये है बेसिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, जो आपका काम आएगा जब भी आप इसके क्वेश्चन करोगे। अभी बढ़ते हैं SN1 SN2 की तरफ। ओके चलो अभी देखते हैं भाई, बिल्कुल सिंपल वे में SN1 SN2 ये डिफरेंस की फॉर्म में मैं करा रहा हूं, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मतलब ऐसा हो जाए कि एक बार में आपको पॉइंट क्लियर ना हो ना, फिर आपको डिफरेंस ही दोबारा देखना है, ठीक है। चलो SN1 को क्या बोलते हैं, पहली बात तो ये है SN1 को बोलते हैं, जस्ट अभी बताया मैंने, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर इसको सिंपली सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, इसको क्या बोलेंगे, SN2 को क्या बोलेंगे, बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसे बोलते हैं। अगली बात समझो कि अगर मैं सिंपल रिएक्शन को लिखना चाहूं, Rx
प्लस एनयू, एनयू समझते हो ना, न्यूक्लियोफाइल का टैग करवाया, उसको डिस्प्लेस करेगा, ये बन जाएगा आर एनयू प्लस में एक्स। अगर मैं इसकी रेट लिखना चाहूं, मेन बात यहां से निकलती है, रेट जो लिखते हैं हम लोग, इसका रेट लिखते हैं के आर एक्स, इसका रेट डिपेंड करता है सिर्फ आर एक्स पे, हैलोजन पे, एल्काइल हैलाइड पे। एंड अगर मैं इस रिएक्शन को लिखना चाहूं तो ये होगा आर एक्स, न्यूक्लियोफाइल का टैग करवाया, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन करेगा, ये बन जाएगा आर एन यू प्लस में एक्स। अगर आप इसका रेट लिखना चाहो तो क्या होगा, यहां पे ये होगा आर एन यू एंड एक्स, सॉरी गलत लिख दिया, रिएक्टेंट देखते हैं आर एक्स प्लस में एन, क्लियर हो रहा है। अब एक बात देखो कि ये सिर्फ इसके जो रेट डिपेंड कर रहा है ना, वो सिर्फ एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है, और इसका रेट जो डिपेंड करता है वो न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। ऐसा क्यों है सर, ये बात है मेन, समझिए। मैं पहले आपको समझाने लगा हूं एसएन वन, या पहले आप एसएन टू समझ लो जैसे आपका दिल करे। चलो मैं पहले एसएन वन समझाता हूं। एसएन वन में क्या है, एसएन वन में आपने एक एल्काइल हैलाइड ले लिया, ठीक है, और आपने कैसे ले लिया, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड लोगे, CH3, 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 क्लियर है, और यहां पे लगा हुआ है OH। तो इसमें ना इसके जो मैकेनिज्म होता है, मेन बात यहां पे मैकेनिज्म क्या आती है, इसका जो मैकेनिज्म होता है वो दो स्टेप में होता है, टू स्टेप, एंड इसका जो मैकेनिज्म होता है वो ओनली वन स्टेप में होता है, वन स्टेप। इसका दो स्टेप में से मेन बात यहां पे है, ये जो स्टेप नंबर वन है, स्टेप नंबर वन में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगी, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल नहीं, कार्बोकटाइन, कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होगी। देखिए बेटा जी, ऐसा होता है कि शायद आपको पता है, मैंने करवा भी रखा मैकेनिज्म की, एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आप चेक करना, कार्बोकटाइन नाम का टॉपिक है। कुछ ऐसा है, ये जो OH है, ये OH ग्रुप ज्यादा पावरफुल है, सिंपल। अब ये हटना चाह रहा है, तो ये कार्बन पूछेगा अपने पड़ोसी कार्बनों से कि वो हटना चाह रहा है, मैं उसे जाने दू, तो ये कार्बनों से क्या बोलेंगे, जाने दे, क्योंकि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ये स्टेप होता है आरडीएस, इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एंड ये जो स्टेप होता है ना, बहुत ही स्लो होता है, क्योंकि देखो एक स्टेबल चीज से ना अनस्टेबल बन रहा है। अनस्टेबल क्यों बन रहा है, देखो अभी तो कोई चार्ज नहीं है, अभी क्या होगा, देखिए यहां पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, CH3, 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 एंड यहां से ये OH नेगेटिव हो गया अलग, ठीक है। अभी चार्ज स्पीसीज कभी भी स्टेबल नहीं होती, केमिस्ट्री में याद रखना, जब चार्ज आ जाए बीच में वो अनस्टेबल है। अब ये स्टेबल से अनस्टेबल होने जा रहा है, तो ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होगी, और स्लो स्टेप ही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसीलिए आपने रेट क्या लिखा है, अच्छा यहाँ पे OH नहीं लिखना था, यहाँ पे X लिखना था, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है, X, क्योंकि OH को तो भी अटैक करवाएंगे ना। अभी स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू में क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अभी आप लोग क्या बना चुके हो, कार्बोकटाइन बना चुके हो, ये टर्शियरी कार्बोकटाइन है, और टर्शियरी कार्बोकटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो देखिए अभी क्या होगा, यहां पे सी, ये CH3, ये CH3, ये CH3, इस पे है पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, मान के चलो OH नेगेटिव आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, सी, इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, एक दूसरे से लव करेंगे, ये नेगेटिव पॉजिटिव से लव करेगा, इस पे आके चिपक जाएगा CH3, 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 OH, क्लियर। अच्छा एक जरूरी बात कि ये OH ना इस साइड से भी अटैक कर सकता है, ये OH बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, ज्यादा पसंद क्या होगा इसको, पीछे से अटैक करना, क्यों, क्योंकि इस साइड से तो वो ग्रुप हटके जा रहा है, ठीक है, बट अटैक दोनों साइड से इसमें पॉसिबल है, यहां से अटैक हो सकता है, अटैक हो सकता है बैक साइड से भी, ये हो गया OH, CH3, 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 50% ये बनेगा, 50% ये बनेगा, और कई बुक्स में इसको दे रखा है 45%, इसको दे रखा है 55%। मेरी बात समझ रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया ऐसा है ना, क्योंकि ये तो पीछे की साइड से आ रहा है, पीछे की साइड से अटैक करना आसान है, क्योंकि यहीं से तो ग्रुप ही निकल के जा रहा है, ठीक है, और यहां से भी आप इसको 50-50 लिख दोगे तब भी चलेगा। अब देखो जिस साइड से
ग्रुप जा रहा है, उसी साइड से ग्रुप लग रहा है, इसे बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलते हैं इसे? रिटेंशन। अब जिस तरफ से ग्रुप गया, ग्रुप इस तरफ से गया और अटैक उसकी बैक साइड से हुआ, इसे बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। बात याद रखिए कि जो SN1 है इसमें रिटेंशन भी होती है, इसमें इन्वर्जन भी होती है। जो मेन बात है वो है इसमें कार्बोकैटायन बनता है, और स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना टर्शियरी सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, जो SN2 है, मैकेनिज्म ऑफ SN2 की बात करें, मैकेनिज्म ऑफ SN2 बाय मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनके मैकेनिज्म की बात करें। आप एक अल्काइल हैलाइड लोगे, आपने प्राइमरी ले लिया, मान लो प्राइमरी ही लेना है वो बेस्ट रहेगा वैसे, ये ले लिया। अब आप इस पे क्या जुड़ा हुआ है, इस पे ऑलरेडी एक हैलोजन जुड़ा होगा, मान लो Cl जुड़ा हुआ है, तो आप यहां पे इसकी रिएक्शन कराते हो न्यूक्लियोफाइल के साथ OH नेगेटिव के साथ। देखो यहां पे अगर आप OH नेगेटिव लेके आते हैं तब भी पहले यहां पे एक स्टेबल कार्बोकैटायन बनना था, तो उसकी जरूरत नहीं है। अब यहां पे कार्बोकैटायन अगर मैं बनाना चाहूं तो कार्बोकैटायन नहीं बन सकता। ये Cl बोले कि मैं यहां से निकलना चाहता हूं, ये नेगेटिव है, ये निकलना चाहता है, ये कार्बन उसको अलाउ भी नहीं करेगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है। देखो अगर कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन दे दे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज रुकना भी तो चाहिए, वो बात पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, तो क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और इसमें न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आता है, OH नेगेटिव आएगा, वो कहेगा भाई तू इसे जाने दे, मैं हूं तेरे साथ। तो यहां पे क्या होता है, इस केस में कार्बन Cl OH, ठीक है, यहां पे H H एंड H, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है अम्ब्रेला स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर बोल देते हैं इसको? अम्ब्रेला स्ट्रक्चर बोल देते हैं। एक टाइम में ना इसके 5 बॉन्ड बन रहे होते हैं, या कह लो इस तरह से ये बॉन्ड बने हुए हैं, इसको बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ये थोड़ी सी देर के लिए होती है, बहुत थोड़ी सी देर के लिए। हुआ क्या समझो, इस केस में क्या था, इसमें OH नेगेटिव आया, ये कहीं मैं जुड़ना चाहता हूं, अगर ये ना भी आए तब भी इसको निकाल सकता है। इसमें न्यूक्लियोफाइल आया, जब तक ये नहीं आएगा ये इसको नहीं निकालेगा, क्योंकि कार्बोकैटायन प्राइमरी वाले बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। तो यहां पे क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। समझ में आ रही है मेरी बात? देखो अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होते हैं टर्शियरी, फिर होते हैं सेकेंडरी, फिर होते हैं प्राइमरी, कुछ ऐसे होते हैं। मान लो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहां पे आर लगे हुए हैं, फोकस करना मेरी बात, यह है टर्शियरी, यह कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे आर लगे हुए हैं, यह है सेकेंडरी, ये है कार्बोकैटायन है, यहां पे लगे हुए एच, ये कार्बोकैटायन है, और यहां पे सिर्फ क्या लगे हुए हैं, एच लगे हुए। फोकस करना, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है। अब इसके तीनों तरफ कौन से ग्रुप लगे हुए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इसको भूख लगी है। कार्बन पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन की भूख है, और ये सारे ग्रुप क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इसकी भूख को शांत कर सकते हैं, तो ये क्या रहेगा यहां पे, स्टेबल। सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, फिर इसके पास दो ग्रुप है, फिर ये स्टेबल है, इसके पास एक ग्रुप है, ये स्टेबल है, और ये बिल्कुल ही क्या है, अनस्टेबल है। अगर मैं इसके कार्बोकैटायन बनाना चाहूं तो वो नहीं बन सकता। वो कब बन सकता है, अगर मैं पीछे से एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाऊं, न्यूक्लियोफाइल इसे क्या बोलेगा कि भाई तू उसको जाने दे, पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा, मैं आ रहा हूं, इसको अप्रोच करता है, ये पीछे से जुड़ता है, ठीक है, तो ये आने लगा भाई, तो अभी समझो क्या होगा, ये क्या है, एक टाइम ऐसा है कि OH का भी बॉन्ड है और Cl का भी बॉन्ड है, और एक थोड़ी देर बाद क्या होगा, यहां से ये H, ये H, ये H, ये OH और प्लस में Cl नेगेटिव हो गया अलग, यहां पे आप समझिए ये आपका प्रोडक्ट बन गया। एंड यहां पे क्या हुई है, देखो जिस साइड आपका ग्रुप लगा था पहले उसी तरफ नया ग्रुप नहीं जुड़ा, उसकी बैक साइड से जुड़ा है, इसे हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं बेटा जी, इन्वर्जन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि SN2 में क्या होता है, SN2 में इन्वर्जन होता है, SN1 में क्या होता है, इन्वर्जन भी होता है और रिटेंशन भी होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और ये सारे का सारे इसका सिंपल मैकेनिज्म है, और पॉइंट देखेंगे बट आपको मैकेनिज्म क्लियर होना चाहिए। इसमें क्या देखते हैं हम लोग, न्यूक्लियोफाइल को भी SN2 में दोनों चीजें होनी चाहिए, तो न्यूक्लियोफाइल भी जरूरी है किसमें, जब प्राइमरी रहता है, इसमें टर्शियरी वाले में आपको जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें स्टेबल कार्बोकैटायन बनना होता है। इसमें कौन सी स्टेट आनी चाहिए, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट मतलब दोनों इकट्ठे रुकने चाहिए, इसमें सिर्फ एक से काम चल सकता है, ये है इनका मैकेनिज्म, आपको समझ में आना चाहिए, इसको जल्दी से चिपकाओ, मैं इसके पॉइंट लिखवाता हूं।
चलिए अब स्पीडली इसके पॉइंट को कवर अप करते हैं। एसएन वन का मतलब क्या है? एसएन वन जो है ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। एसएन टू क्या है? टू से समझ लो आप लोग, सॉरी, ये एक सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। इसमें क्या है, एसएन वन में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन होती है, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ अल्काइल लाइट की जरूरत है तो वहां पे स्टेबल कार्बोकटायन होना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकटायन। जितना स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा फास्टर विल बी द रिएक्शन, उतनी ही फास्ट रिएक्शन होगी। जितना स्टेबल कार्बोकटायन उतनी फास्ट रिएक्शन। और सबसे स्टेबल कार्बोकटायन किसका होता है? टर्शियरी का, फिर होता है सेकेंडरी का, फिर होता है प्राइमरी का, फिर होता है भाई CH3X, इसको जीरो डिग्री भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें न्यूक्लियोफाइल का टैग करवाना होता है आपको, ठीक है, मतलब इसमें न्यूक्लियोफाइल का टैग की जरूरत नहीं होती, कार्बोकटायन बनना चाहिए स्टेबल, इसमें न्यूक्लियोफाइल का टैग करवाना है तो लेस स्टीरिक हिंड्रेंस। अभी सुपर रीजन बैच से जो क्वेश्चन आया कि सर स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होता है, स्टीरिक मतलब स्ट्रक्चरल, हिंड्रेंस मतलब रुकावट। समझो कि जैसे मैं अटैक हो गया, अब रुकावट पैदा करनी है, मतलब समझ के चलना, जैसे कार्बन है इस पे बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, CH3, 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 ये बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, ठीक है, एक है कार्बन, इसके साथ लगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन छोटा सा ग्रुप है, इस पे अटैक बहुत ज्यादा से पॉसिबल है। स्टीरिक हिंड्रेंस मतलब स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस, इस पे आसानी से अटैक नहीं किया जा सकता, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हैं, तो जितनी कम स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, उतनी जल्दी वो अपने ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचेगा, स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, एंड फास्टर विल बी द रिएक्शन, और उतनी ही फास्टर वो रिएक्शन होगी। भाई बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, समझ गए? इसमें एसएन टू में क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना होता है, अब न्यूक्लियोफाइल अटैक किस पे करेगा, जिसमें स्टीरिक हिंड्रेंस कम हो, और स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे कम किसमें है, जिसमें सबसे छोटे छोटे ग्रुप लगे हैं, CH3X, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और सबसे ज्यादा किसमें है, 3 डिग्री में, 3 डिग्री में बड़े बड़े ग्रुप लगे होंगे तो अटैक बहुत ही मुश्किल होगा। अगर इसकी बात करें, इसमें न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं होती, तो वीक न्यूक्लियोफाइल कैन बी यूज्ड, इसमें हम वीक न्यूक्लियोफाइल का भी यूज कर सकते हैं। और इसमें हम लोग एसएन टू में किसका यूज करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बढ़िया चाहिए, क्योंकि एक नया न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, उसको पुराने वाले न्यूक्लियोफाइल को हटाना है, तो उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज यूज्ड, बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर मैं, ये तो बात होगी, इसमें देखिए एसएन वन में सबसे बेस्ट है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, क्योंकि कार्बोकटायन बनाना होता है। अगर मैं बात करूं अल्काइल हैलाइड की, तो RI, क्योंकि बॉन्ड तोड़ना है, दोनों ही केस में बॉन्ड तो हमें तोड़ना है पुराने वाला, सबसे आसानी से बॉन्ड टूटेगा RI का, फिर टूटेगा RF का, फिर टूटेगा, सॉरी, ऐसे RBr का, फिर RCl का, फिर RF का। सबसे मुश्किल से बॉन्ड किसका टूटता है, एल्काइल फ्लोराइड का। जब बॉन्ड मुश्किल से टूटेगा तो रिएक्शन भी मुश्किल से होगी, तो इसकी रिएक्शन सबसे स्लो होती है, फिर इसकी फास्ट होती है थोड़ी, इसकी और ज्यादा फास्ट होती है, इसकी रिएक्शन सबसे फास्ट होती है। ये दोनों के केस में कॉमन है, एसएन वन हो चाहे एसएन टू हो, दोनों के केस में ये बात तो कॉमन है कि सबसे फास्ट एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल ब्रोमाइड, देन एल्काइल क्लोराइड, देन एल्काइल फ्लोराइड। अब सोलवेंट की बात करते हैं, तो इसमें हमें जरूरत पड़ती है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की। किसकी जरूरत पड़ेगी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, याद रख लो। उसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की, अप्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, जैसे वॉटर जैसा सॉल्वेंट इसमें जरूरी है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या है भाई, जैसे उसमें आपको किसकी जरूरत पड़ सकती है, एसीटोन की, एसीटोन जैसे सॉल्वेंट की। तो ये है बेटा सारे का सारा एसएन वन एंड एसएन टू, बस इस टेबल को अच्छे से याद रखना, सारे के सारे क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हो। एक और पॉइंट बता दूं, एसएन वन में कौन भी अच्छे से काम करेंगे, एलाइल एंड जो बेंजाइल हैं, बेंजाइल हैलाइड हैं,
वो भी SN1 ही शो करते हैं। ये की पॉइंट याद रखो, अलाइड हैलाइड एंड बेंजाइल हैलाइड भी कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? SN1, क्योंकि SN1 के लिए जरूरी है कार्बोकैटायन बनाना और ये स्टेबल कार्बोकैटायन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ड्यू टू रेजोनेंस, याद रखना है ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये है बेटा जी सारे का सारा आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन लगाओ, कुछ भी डाउट आए मुझे बताओ एंड इस वीडियो को शेयर करो जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो। एक छोटा सा एम रखते हैं, देखो लाइक तो मुझे पता ज्यादा होने चाहिए बट अभी एम रखते हैं 500 लाइक्स का। 500 लाइक्स होते ही मैं मैकेनिज्म नंबर 3 आपके लिए पब्लिश कर दूंगा। चलिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।